करो, मजदूरी करो, पैसे कमाओ, फिर गाड़ी ले सकते हो, या सिर की तरह गाड़ी ले, गाड़ी ले लो। Hey guys, welcome back to my new vlog. I hope you're all well. तो बात कुछ यूं है कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ क्यों, बट सबसे पहले काफ़ी टाइम बाद ये है जी काशिफ, हाय बोल दे, हाय। ये है जी हमारे जो प्रोफेसर साहब है, हाय फाय प्लीज। ये प्रोफेसर साहब रोजे कैसे जा रहे हैं? जा रहे हैं है? और ये जो बंदा है, आप सोच रहे होंगे ऐसे क्यों बैठा हुआ है? उसकी एक वजह है, क्योंकि एक सेकेंड मैं बताता हूँ, मैंने काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी मेहनत के बाद ये जो अपना काशिफ है ना, ये वाली जो गाड़ी है इसकी गाड़ी थी, मैंने ख़रीद लिया इससे, आई बॉट इट। सो यस, दिस इज नाउ ऑफिशियली माई कार। तो अभी ये बंदा बैठा हुआ है क्योंकि ये अभी किसके पास गाड़ी नहीं है। इससे मैंने गाड़ी ले ली है, तो नाउ ऑफिशियली अब मेरे पास ये गाड़ी आ चुकी है, तो कॉन्ग्रेचुलेट मी। एंड क्योंकि ये देख लो, मेरे लिए बड़ा मूवमेंट है। अभी लोगों को लग रहा होगा कि यार क्या गाड़ी है, ये है, वो है, बट जो सही में जो बात है, नहीं उबर वाली नहीं है, क्योंकि मैं उबर नहीं करता, मेरे पास फुल लाइसेंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, ये मैंने जस्ट अपने लिए लिए। तो मतलब ये है कि मेरे लिए बड़ा मूवमेंट है ये, क्योंकि लोगों को सालों लग जाते हैं गाड़ी बदलने में या करने में। मैंने तकरीबन 3-4 महीने से मेरे व्लॉग्स भी इसीलिए ज़्यादा नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं दबा के जॉब कर रहा था। तो नाउ फाइनली यस, ये गाड़ी मेरी हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे होंगे यार वो बेचारे की क्या मजबूरी है गाड़ी, ये बंदा अपग्रेड कर रहा है, ये ऐसे ही बैठा हुआ है मिस्कीनों की तरह, ये बंदा अपग्रेड कर रहा है गाड़ी। तो जब नई गाड़ी लेगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, ये अभी वैसे इसका ये शक्ल ऐसे बना के बैठा। प्रोफेसर साहब क्या ख्याल है? ये आपको मुबारक हो पहले। थैंक यू। काशिफ को भी अच्छी सी गाड़ी मिल जाएगी दूसरी। तो बेचारा मेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास हम है ना यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? ऐसा नहीं है, इस बंदे के पास भी गाड़ी है बट वो घर छोड़ के आया है। तो गाइज़ ये वाली गाड़ी जो है ये अभी फ़िलहाल मैं इधर ही रखूँगा काशिफ के पास ही, इसको मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं इसको बेचूँ फ़िलहाल। अभी इसमें से अपना सामान वगैरह उठा लेते क्योंकि अब तो वो वाली गाड़ी हो गई होगी ना। तो इसमें अभी मेरे हेडफोन हैं, मेरी चाबियाँ हैं, मेरी ग्लासेस हैं, तो ये सारी चीज़ें। वैसे ये गाड़ी अच्छी थी, मतलब काफ़ी मतलब सही थी, छोटी गाड़ी थी, पेट्रोल का ख़र्चा ज़्यादा नहीं था। आई मिस यू बट अब बेटर गाड़ी है ना, तो बेटर ऑप्शन के पास अब जाते हैं हम, तो अब अपग्रेड हो गया। तो ये वाली गाड़ी अभी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं बेच रहा हूँ, फ़िलहाल के लिए देखता हूँ मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ, मैंने डिसाइड नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जीनत भाई? ठीक हो? आपके लिए एक न्यूज़ है मेरे पास। रुको ना बताता हूँ। ये वाली गाड़ी जो है ना, ये मैंने आज ले ली काशिफ से। मुबारक हो। थैंक यू। का प्रोग्राम भी है, हम पेट भर के खाएंगे। किसका प्रोग्राम है? यासिर का, पेट भर के हम खाएंगे। ऐसा तो कोई सीन नहीं होना, हम ऐसा खाना खाएगा आज, 2-3 $ हर जगह खाएगा। देख काशिफ। हाँ जी। आ तुझे मैं अपनी गाड़ी में लेके जाता हूँ। दिखाना जरा। मैं अपनी गाड़ी दिखाऊं? ये तो मजाक कर रहा है, ये किसी और की गाड़ी है अभी। बट नहीं, मैं वो बात इग्नोर मत करना। मैं प्रोफेसर साहब, मैं अभी काशिफ को पता क्या कह रहा था, मैंने कहा तुझे अपनी गाड़ी में लेके जाता हूँ। अभी 1 घंटे पहले इसकी थी, अब मेरी हो गई। जीरत भाई, आओ आपको अपनी गाड़ी में लेके जाता हूँ, अफ्तारी कराते हैं आपको। कुछ मत पूछना, जब मेरा पेट में कुछ आएगा तो हम रोजा लग रहे। तो गाइज अभी हम आए हैं यहाँ पर, ये गाड़ी लेकर आया हूँ क्योंकि पोस्ट भी तो डालनी है ना,
तो अभी एक पिक्चर वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद हमने अभी एक वो आपको पता है वो जो मैं पहले भी ब्लॉग में बता चुका हूँ, फॉकनर एक जगह है, वहाँ पर बुफेट लगता है अफ्तार का, तो वहाँ पर जाएंगे अफ्तारी करेंगे। तो जी हमारा फोटो शूट पूरा हो गया है गाड़ी के साथ, तो इसको प्रॉबेबली अब हम अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी तक किसी को भी नहीं पता, ना ही मेरे फैमिली में किसी को पता है कि मैंने ये गाड़ी ली है, पाकिस्तान में भी नहीं पता किसी को, तो इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर एवरीवन, क्योंकि मैंने किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि यार मैं गाड़ी ले रहा हूँ या इस तरह का कोई सीन है मेरा। तो असल में ये था कि काशिफ को गाड़ी अपग्रेड करनी थी और मुझे इसकी गाड़ी बहुत पसंद थी, और मैं प्रॉबेबली सिविक लेने की सोच रहा था, मेरा प्लान था गाड़ी लेने का, बट ये वाली नहीं, मुझे था कि यार मैं सिविक लेता हूँ, होंडा सिविक, बट इसकी गाड़ी तो ऑब्वियसली मैं इसका गाड़ी तो मुझे बहुत पसंद थी। जब इसने मुझे बोला कि यार मैं इस तरह सोच रहा हूँ, मैंने कहा डन है ब्रो, ये मुझे ही दे दे ये गाड़ी। तो अभी इट्स गोइंग टू बी सरप्राइज फॉर एवरी वन एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से इतनी बड़ी अपग्रेड की है मैंने। लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये ऊबर वगैरह के लिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में लोग करते हैं गाड़ी ऊबर के लिए गाड़ी लेते हैं, तो मेरा लाइसेंस भी फुल नहीं है, तो मुझे ये गाड़ी अपने लिए चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने ली है अभी। सो अभी यहाँ पर आए हम, इधर यहाँ पर इन लोगों को रोज़ा लग रहा है, ये दोनों बैठे हुए हैं, अब ये भाई साहब भी आ गए हैं, ज़ीनत भाई रोज़ा लग रहा है। प्रोफेसर साहब कुछ कहे ना यार, अब लोग आपको बड़ा मिस करते हैं। अच्छा हाँ, रोज़ा है ना, अभी अब कुछ नहीं कह सकते, रोज़े के बाद, अफ्तार के बाद कुछ कहेंगे। कोई एक मैसेज अगर लोगों को देना चाहे, रमजान मेहनत करो, मजदूरी करो, पैसे कमाओ, फिर गाड़ी ले सकते हो, यासिर की तरह गाड़ी ले लो। अभी तेरे पास गाड़ी भी रही है, यतीम हो गया अभी। मैं हूँ ना काशिफ भाई, जिधर भी आपने जाना हो मुझे बताओ, मैं ड्रॉप कर दिया करूँ, और क्या चाहिए। चल जब तक तेरे पास गाड़ी भी है तब तक हम मजे ले सकते हैं तेरे। मजे लोगे? मैंने गाड़ी ऑर्डर कर दी है, आने में अभी आई तो नहीं है ना, आने बट वो फिर हम रिवील करेंगे बाद में कि कौन सी गाड़ी ली है। शाबाश, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, शाबाश, 14, जीतो पाकिस्तान, मुबशिर जीत गया, प्रोफेसर साहब हमारी जीत गए, वेरी गुड, क्या बात है। जूजू अफ्तारी का वक्त नज़दीक आ रहा है, ये दोनों पागल होते जा रहे हैं। हम तुम्हारा चश्मा देख, तूने मेरे चश्मे वहाँ पे फेंके हैं, तुम्हारा गिर गई है, मैं नहीं फेंकता है। तुम्हारे में जान, तुम्हारा खून, ओए नहीं लिए मैंने, लगता लगता नहीं लिए मैंने, गरीबों तुम्हारे पास वो चश्मे भी नहीं है। तो जी अभी बस सूरज ढल रहा है, अफ्तारी का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो अब हम यहाँ से जाएंगे। तो अब हम यहाँ से जाएंगे अफ्तारी करेंगे, ताकि इन सब का मूड ठीक हो जाए। ऐसे अभी इनकी शक्लें देख लिए तो फिर भी सही है, इनकी शक्लें अभी देख ले, फिर अफ्तारी के बाद दिखाऊंगा आपको। तो अभी हम जा रहे हैं अफ्तारी करने, लेट्स गो। 2 hours later ये देखो अफ्तारी के बाद के मनाजिर। कितना चाम आ गया लड़के में। ये अफ्तारी के बाद के मनाजिर देखे जाए, ये देखे कितना लड़का, देखो हो गया इसका, ये देखो अब सब सेट है, अब बातें हो रही है। जकास, ये बताएं कि आपको अफ्तारी के बाद कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है ना जैसे इंसान जन्नत में, जन्नत
ज्यादा भूख लगी थी वो पूछो मजा ये यासिर ने गाड़ी ली हुई है आज यासिर की पार्टी थी खूब हमने मस्ती की एंजॉय किया हमने खूब खाना खाया देख लो मैंने गाड़ी की फिर ट्रीट दे दी ना फिर मत बोलना बस थैंक यू अल्लाह करे कि बस एक साल बाद आपको रेंज रोवर ये मर्सिडीज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो आई होप यू लाइक द व्लॉग इफ यू डू मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग